ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो आज से हम सैम्पल पेपर सीरीज स्टार्ट करें। ऑडियो क्लियर आ रहा है? ठीक है, देखो एक बार चेक कर लो। फाइन, चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से देखेंगे, वन बाय वन डील करेंगे। ओके, ये बोर्ड्स के सैम्पल पेपर भी इसमें होंगे। सैम्पल पेपर वन फॉर टर्म टू एग्जाम, साइंस का पेपर है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू वी थिंक दैट नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप? व्हाई डू वी थिंक, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि नोबल गैस आर प्लेस इन अ सेपरेट ग्रुप, मतलब नोबल गैस को जो है उनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा जाना चाहिए? बताइए, आंसर्स बताइए। हाँ एग्जैक्टली, उनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होते हैं, वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, इनकी जीरो वैलेंसी होती है। इस वजह से इनको हमको जो है अलग सेल से अलग ग्रुप में रखा जाना चाहिए। गुड इवनिंग स्वास्ति। स्वास्ति, पहला ही क्वेश्चन अभी स्टार्ट किया हमने। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। स्क्रीन मैंने शायद प्रेजेंट नहीं करी है, तो मैं कर देता हूँ। नाउ इट इज़ विजिबल टू यू। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, वाई डू यू थिंक दैट नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन द सेपरेट ग्रुप? आंसर स्वास्ति, आंसर करो। नहीं आइडिया स्वास्ति? बेटा मेरी आवाज आ रही तुम्हें कि नहीं आ रही है? ओके, चलिए आंसर चेक करते हैं। व्हाई डू वी थिंक दैट नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप? पढ़ो यहां पे अविनाश, पढ़िए सॉल्यूशन, देखिए ना स्क्रीन पे। यस, आउट ऑफ ऑल एलिमेंट्स नोन। चलिए हाँ, माइक ऑन करके कीजिए। आउट ऑफ ऑल एलिमेंट्स नोन, नोबल गैसेस सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड एक्सियन आर द मोस्ट इनर्ट एंड आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशंस इन आर एटमॉस्फेयर। देयरफॉर दे आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ सेपरेट ग्रुप कॉल्ड जीरो ग्रुप इन मेंडल्स पीरियोडिक टेबल। यस स्वास्ति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes, so first question I have asked that why do we think that noble gases are placed in the separate group? Answer please. पढ़ो answer इसका. कौन पढ़ रहा है? आप पढ़िए. Okay, sir. Out of all the elements known, noble gases such as helium, neon, argon, krypton, and xenon are the most inert, unreactive and are present at extremely low concentrations in our atmosphere. Therefore, they are grouped together in a separate group called zero group in the Mendeleev's periodic table. Okay, तो यहाँ पे कहा गया है कि they are unreactive. भाई unreactive की बात तो मानूंगा मैं कि they are unreact, और मगर यहाँ पर जो अविनाश ने reason कहा कि इनके outer most shell fill होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इनके एक्चुअली आउटर मोस्ट शेल फिल होते हैं, इसलिए इनके जीरो वैलेंसी होती है, इसलिए इनको बिल्कुल ग्रुप में रखा जाता है। और इनको उस ग्रुप में रखा गया है जिसमें आने वाले सभी एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट शेल हैं वो क्या हैं, कंप्लीटली फिल हैं। तो ज़्यादा अच्छा आंसर वो है। यहाँ पर ये इस चीज़ का कोई वास्ता नहीं है कि दे आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन में जो पाया जाएगा उसको क्या एकदम किनारे कर दोगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि लो कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं इसलिए उनको एकदम लास्ट में रख दिया गया। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई नहीं है, है ना। हाँ, बाकी जो है कि उनका रिएक्टिविटी कम होती है। ओके, आर द मोस्ट इनर्ट हैं, सबसे ज़्यादा इनर्ट हैं। सो दिस इज़ द, दिस वॉज द करेक्ट आंसर। डन। यस बेटा सर, एनसीईआरटी में एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन वाला पॉइंट था, तो शायद वो अगर बोर्ड में लिखे तो वो कंसीडर करे। हाँ, तो फिर कंसीडर करना पड़ेगा अगर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी जो है वो एक तरीके से आपकी बिल्कुल रेफरेंस बुक है, बहुत जिसको फॉलो करना ही है, तो फिर उससे में यदि लिखा हुआ है एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन तो चल जाएगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन है कि नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन द सेपरेट ग्रुप, इनको सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा गया है? तो यदि रियलिटी देखी जाए तो इनकी कम अबंडेंस से मतलब सेपरेट ग्रुप का नहीं है कि जो कम पाया जाए उसको सेपरेट ग्रुप में रख दो। ऐसे और भी एलिमेंट हैं जो बहुत कम कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, बट क्या उनके लिए अपन ने क्या सेपरेट ग्रुप बनाया है? नो, जो ग्रुप तय होता है वो किसके आधार पे तय होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे। एम आई राइट रॉन्ग? यस सर।
Yes, sir. Okay, so move to the next question. Swasti, question number 2 is here. Write the molecular formula for the first two member of homologous series having the functional group OH. Also dare draw their bond line structure. Bata beta. Formula batao. Do shuruaat ke do compound, do member homologous series kiski alcohol ki. Yaad hai do compound kaun se hai? Alcohol ke do sabse shuruaati formulae alcohol series ke. नहीं बनेगा क्या? One second. Yes बेटा बताओ. One second. सोचो. So CH3OH and C2H5OH. First you said CH3OH and second is C2H5OH. Absolutely right. बिल्कुल सही आंसर है आपका. ये दो अल्कोहल जो आपने बताए हैं, फर्स्ट इज मीथेनॉल एंड सेकंड इज इथेनॉल. ठीक है ना? तो जो पहला कंपाउंड है आपका दैट इज CH3OH एंड सेकंड इज C2H5OH. ये दोनों कंपाउंड एग्जैक्टली बिल्कुल सही है. ये अल्कोहल के सबसे शुरुआती मेंबर हैं. अल्कोहल के ये सबसे शुरुआत के मेंबर हैं. अल्कोहल की सीरीज में जो ग्रुप होता है बेटा, जिसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप दैट प्रोवाइड इट्स प्रॉपर्टी that provide the chemical characteristics to any carbon chain is called functional group. So here OH bond here is the functional group, okay, and that is called alcoholic group. That is called alcoholic group and these are the two starting members, homologous series ke start ke member hain. Yes, so let's see answer kya keh raha hai. Yes beta bolo. So bond line structure में मतलब कैसा वाला draw? अरे बेटा skeleton structure को, ये bond line structure जो मैंने skeleton structure बताया ना, chain वाला. अरे ये skeleton ही बोलते हैं इसको. Chain वाला कहना गलत होगा, chain तो अलग अलग बात हो जाएगी. Okay, तो ये जो खुला बिल्कुल structure होता है, that is called bond line structure. Done? Yes sir. Okay, so पढ़ो स्वास्ति, the molecular formula. The molecular formula of first two members of homologous series having functional group OH also draw their bond line. हाँ, ये तो question था answer से. हाँ. The molecular formula of first two members of homologous series having OH functional group are CH3OH methanol and CH3CH2OH ethanol. Exactly. तो पहला structure क्या है? पहला जो formula है that is CH3OH, that is called methanol. And आपको पता होगा कि होमोलोगस सीरीज में क्या हो जाता है, CH2 घुस जाता है. तो अगला वाला जो बनेगा CH3CH2OH. कुछ बच्चे इसको CH3CH2OH को जल्दी में C2H5OH भी लिख सकते हैं, बिकॉज आप काउंट कर लो. अगर आप ऑल टोटल काउंट करोगे यहाँ पे तो CH3CH2 जोड़ दो अगर आप, तो ये C2H5 ही बन रहा है. तो आप चाहे इसको C2H5 लिख दें तो इसमें कोई बुराई नहीं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे. ओके, अब स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कार्बन की वैलेंसी चार होती है. कार्बन में एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर और एक OH बॉन्ड करके ऐसा जुड़ेगा. बोलो समझ में आ गया? यस सर. और सेकंड वाला स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर होगा. थर्ड बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़िए. Rajesh observed a patch of greenish black powdery mass on a slate piece of board. Stale piece of board. Bread. Name the organism responsible for this and its specific mode of asexual reproduction. Name its vegetative and reproductive part. हाँ भाई, कुछ पता है इसके बारे में आपको? Rajesh ने एक observed a patch of greenish black powdery mass on a stale piece of bread. Bread के ऊपर उसने कुछ brown black color का देखा. हाँ बेटा बोलो. Organism कौन सा responsible है? Rhizopus and उसका specific mode. Sir, Rhizopus जो green color का fungi है. Okay. Rhizopus. ठीक है. और? And specific mode of asexual reproduction is spore formation. Spore formation. And its vegetative part is ओके. चलिए देखते हैं आपका आंसर सही है गलत है. देखो अब मुझे बायो तो समझ में नहीं आती, बट मुझे भी कुछ कुछ सीखने को मिल रहा है यहाँ पे. सुनने में समझ में आ रहा है थोड़ा सा. मेरे को ये पता है कि ये जो एक तरीके का ये जो ब्रेड वगैरह में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसे बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन. क्या बोलते हैं?
अब स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ऑल टोटल यार बायो जो है आपकी नॉलेज को याद करने वाला ही पार्ट है कि इन्फॉर्मेशन को आप कितने अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे को तो आती नहीं है, तो आप इसमें सोल्यूशन के फॉर्म में देख सकते हैं। अच्छा पढ़ो बेटा आंसर ए, द ग्रीनिश The greenish black powdery mass on a stale piece of bread is due to the growth of bread mold fungus rhizopus which is reproduced by the method of spore formation. Okay. Rhizopus possesses thread like projection called hypae, the vegetative vegetative structure from which small spherical structure called sporangium reproductive structure is developed. वेरी गुड बेटा, बहुत आपने अच्छी जानकारी दी और काफी कुछ आपने बता भी दिया। आपने हाइपे बताया, आपने राइजोपस बताया, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं, समझ में आया भाई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ो बेटा। सम फ्लावर्स ऑफ पम्पकिन एंड बॉटल ग्राउंड डेवलप फ्रूट व्हेयरएज अदर फ्लावर्स फेल टू डेवलप फ्रूट्स, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन। चलो भाई, कद्दू के और लौकी के फूल होते हैं, बाकी के नहीं होते, क्या रीजन हो सकता है पता है? सो बिकॉज इन सम फ्लावर्स देयर आर ओनली female reproductive part and which can give fruits, but in some flowers there are only the male reproductive part, so usme fruits nahi. चलिए देखते हैं। So pumpkin and bottle gourd bear unisexual flower. Some flower are male and other are female. Main flower do not develop fruit. Very good बेटा स्वास्थी, बिल्कुल सही बताया आपने कि male flower जो होते हैं वो fruits develop नहीं करते हैं। They produce pollen grains. जो male flower होते हैं वो pollen grains develop करते हैं। The female flower possess कार्पल्स विच डेवलप फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हाँ बिल्कुल सही है, देयर ओनली फीमेल फ्लावर कैन डेवलप फ्रूट्स बट नॉट द मेल फ्लावर्स। एग्जैक्टली ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मेरे ख्याल से गड़बड़ी लिख दी है, देयर फोर द फीमेल फ्लावर डेवलप फ्रूट्स। ओके 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 ठीक है सही लिखा है सही लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पढ़ो बेटा क्वेश्चन। टॉलनेस ऑफ पी प्लांट इज अ डोमिनेंट ट्रेट व्हाइल डॉर्फनेस इज रिसेसिव ट्रेट। व्हेन अ प्योर लाइन टॉल इज क्रॉस्ड विद प्योर लाइन ड्रॉप, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टॉल प्लांट्स इन एफ टू जनरेशन शैल बी हेटरोजाइगस गिव रीजंस। ठीक है, देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ये आपको करने हैं होमवर्क में, लिख लीजिए कॉपी में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के दोनों पार्ट आपको लिख के भेजने हैं, ठीक है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग की। सोल्यूशन इसके दिए हुए हैं पेज नंबर 7 में, तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज़ होमवर्क, दोनों पार्ट आपको करने हैं होमवर्क में, तो ये आप लोग करिएगा। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा बिकॉज टाइम खराब हो जाएगा मेरा, ठीक है, इसको आप लोग करना, ठीक है बेटा। हाँ अब इसके फीचर एंड एडवांटेज दूसरा वाला जो पार्ट है क्वेश्चन का दिया है वो भी कर लेना। चलिए अगला, हाँ, डीडीटी वाज स्प्रेड इन अ लेक टू रेगुलेट द ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो, हाउ वुड द इफेक्ट द ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन एसोसिएटेड विद द लेक, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, जो डीडीटी है स्प्रे किया जाता है लेक में, रेगुलेट ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो मतलब कि जो मच्छरों की पैदाइश को रोकने के लिए, हाउ वुड इफेक्ट द ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन फॉलोइंग फूड चेन एसोसिएटेड विद लेक। एक झील के अंदर एक आपके सामने टिपिकल एक फूड चेन बताई गई है, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। चलिए देखते हैं, हाँ तो ये चेन बनाई गई है, अब देखिए, हाँ पढ़िए स्वस्ती। Pesticides like DDT are non-biodegradable pesticides which enter the food chain from the first tropic level, that is plankton's producers. Non-biodegradable chemicals accumulate into the body of organisms through the food chain, which go on increasing on its concentration at each tropic level by the phenomena called biomagnification. In the given food chain, hawk will have the highest level of pesticides because hawk is present on the top of food chain and is a top carnivore. Okay, तो यहाँ पर जो है वो हॉक जो है सबसे ऊपर है, इसलिए फूड चेन के टॉप लेवल में होगा, बिल्कुल सही बात है। तो एक्वेटिक एनवायरनमेंट से इसने प्लैंकटन फिर हुआ, फिर स्मॉल फिशेस के अंदर गया, स्मॉल फिश को लार्ज फिशेस ने खाया, उनको हॉक ने खाया, और हॉक को तो कोई खाता नहीं है, तो ये जो है इस तरीके से ये हाईएस्ट लेवल पे होगा। चील, गिद्ध, हाँ बाज, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बायो का क्वेश्चन था बट थोड़ा सा इजी था तो मैंने ले लिया। ओके, आउट ऑफ वन चेन, आउट ऑफ गिवन फूड चेन ए बी सी, विच ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इफ इन इन ईच फूड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द प्लांट, इन विच केस विल द ऑर्गेनिज्म एट द टॉप फूड चेन चेन गेट मिनिमम एनर्जी फॉर सर्वाइवल। चलिए बताइए कि कौन सा है जो सबसे कम एनर्जी को सर्वाइव करेगा, फूड चेन गेट मिनिमम एनर्जी ऑफ सर्वाइवल, सबसे कम एनर्जी को कौन सर्वाइव मिलेगी जिसको, इस चेन को देख करके बताइए, ये आपके सामने दिए हुए हैं कौन। सो बी में, मे बी वाले में, मतलब ये वल्चर ऊपर जो बैठा है। यस सर। ओके, यू सेइंग कि जो वल्चर ऊपर बैठा हुआ है उसको, और आप कह रहे हो सी। चलो भाई देखते हैं। हाँ पढ़िए स्वस्ति। फूड चेन ए, फूड चेन ए हैज मिनिमम ट्रॉपिक लेवल्स, three topic levels, longer is the food food chain, lesser is the amount of energy at the top of the food chain. So in the food chain B, which have five tropic levels, energy available to eagle organism on the top. Very good, बिल्कुल सही, यहाँ पर ईगल आपने बताया था और ईगल ही बिल्कुल सही आंसर है बेटा। ओके, ईगल ही बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है, ईगल करेक्ट इसका आंसर होगा, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा पांच लेवल को ये रिटेन कर रहा है, पांच लेवल को कोई नहीं रिटेन कर रहा बट ये रिटेन कर रहा है फाइव लेवल पे, इसलिए बाकी सब इधर वाला तीन पे है, इधर वाला चार पे, इधर वाला पांच पे है। सो आपको पता होगा कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाने पे 30%, कितना 30%, 10% क्या रूल होता है यार, क्या होता है बेटा, 10% रूल होता है। ओके है ना, तो यस देख लीजिएगा, 10% रूल होता है कि 10% से एनर्जी कम हो जाती है, ऐसा कुछ तो ये होता है। ये भी बायो का क्वेश्चन था, चलो थोड़ा मोटा मोटी अपन ने सीख लिया, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन पढ़िए स्वस्ति। अ सर्किट, अ सर्किट कंटेन्स अ बैटरी, अ वेरिएबल रेजिस्टर एंड अ सोलेनोइड, द फिगर बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द सोलेनोइड, स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, what happens to the magnetic field when the current in the circuit is broken। चलिए भाई, दो state, दो question यहाँ पे पूछे गए, state how the magnetic field pattern indicate reason where the magnetic field is stronger, तो क्या बताएंगे आप इसमें, बताइए magnetic field कहाँ पर strong है सर, एट द पोल्स, एट द पोल्स या जहाँ पर मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस घनी घनी है, वेयर दे आर क्राउडेड, एंड वॉट हैपेंस व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्किट रिवर्स, क्या होगा भैया बोलो। हाँ, करंट को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा, करंट का मैग्नेटिक फील्ड भी उल्टा होगा। एग्जैक्टली, ये जो जा रहा है, ये जो आप एरोज देख रहे हो अभी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे तो ये जो एरोज हैं ये ऊपर से नीचे नहीं जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, अभी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर से नीचे हो जाएंगे। ओके, मतलब जहाँ पे नॉर्थ है वहाँ साउथ हो जाएगा, जहाँ पे साउथ है वहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। यस, तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। हाँ बेटा आंसर पढ़ो, आंसर नंबर ए, रिलेटिव सॉरी रिलेटिव क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सिंस फील्ड लाइंस आर क्राउडेड अराउंड द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड, हेंस दीस आर द रीजंस ऑफ स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। एग्जैक्टली, सो एंड्स ऑफ द मैग्नेट, सो इट इज नॉट, बेटा सोलेनोइड के मामले पे पोल मत कहना, क्योंकि सोलेनोइड में पोल बाद में बनते हैं करंट फ्लो होने के बाद, मैग्नेट के मामले में आप पोल कह सकते हो, बट इन द केस ऑफ सोलेनोइड आप कहिए एंड्स ऑफ द सोलेनोइड। समझ में आया बच्चों? Yes, नहीं पकड़ लेगा आपको सामने वाला टीचर, ठीक ना, एंड्स ऑफ द सोलेनोइड कहना बेटर रहेगा यहाँ पे, हैंस द रीजन ऑफ द स्ट्रॉन्ग, हैंस दीज आर द रीजन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बी पॉइंट पढ़िए, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिवर्स्ड ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एग्जैक्टली, तो रिवर्स करने पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। चलो भाई बहुत मजे की बात है, आगे पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। हाँ पढ़ो, द वायर, रीड करिए स्वास्ति जी। ओके, द वायर इन द फिगर बिलो इज बीइंग मूव डाउनवर्ड थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड सो एज द प्रोड्यूस इंड्यूस करेंट, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ, फर्स्ट मूविंग द वायर एट हाई स्पीड, मूविंग द वायर अपवर्ड रेदर देन डाउनवर्ड यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, होल्डिंग द वायर एट रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। मेरी आवाज आ रही है स्वास्ति तुम्हें? समर्थ बेटा गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग बेटा, आवाज आ रही है मेरी? समर्थ नहीं आ रही क्या मेरी आवाज?
हाँ सर आ रही है। चलो बेटा, अपन सैंपल पेपर कर रहे हैं साइंस का है। यस सर। चलो तो पहले बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है, समर्थ एक बार पढ़ दो सर बेटा। वैसे मैंने लगा लिया था। चलो चलो बेटा तुम ही बताओगे आज इसके सारे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे बेटा है ना। तो क्वेश्चन का सर हाँ लेकिन रीड पूरी बात तो सुन लीजिए। बोलो बोलो भाई। वो भी आधा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, चलो ये क्वेश्चन पढ़ो। द वायर इन द फिगर बिलो। सर कौन सा? यही बेटा सामने है जो और वाला। चलो स्वास्ति सर तुम द पढ़ो वायर क्वेश्चन। वाला। स्वास्तिक हाँ बेटा सर वायर वाला बोलूँ मैं? हाँ बोलो। जो भी हम शो कर रहे थे वही है ना। द वायर इन द फिगर इज बीइंग मूव्ड डाउनवर्ड्स थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड सो एज टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। व्हाट वुड बी द इफेक्ट्स ऑफ मूविंग द वायर विद अ हायर स्पीड? बी मूविंग द वायर अपवर्ड्स रेदर देन डाउनवर्ड्स यूजिंग अ स्ट्रोंगर मैग्नेट। डी होल्डिंग द वायर एट रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए बताइए तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें, जो क्या इफेक्ट आएगा मूविंग द वायर एट अ हाई स्पीड। अगर आप वायर को हाई स्पीड में मूव करते हो तो क्या फर्क पड़ेगा, पहला बताओ। द वायर इन द फिगर बिलो इज बींग मूव डाउनवर्ड। ये वायर दिखा हुआ है, ये मैग्नेट के अक्रॉस में रखा हुआ है, ये वायर दिख रहा है आपको, ये वायर है, छल्ला दिया हुआ पूरा का पूरा। अब आप इसको नीचे ले जा रहे हो तो मुझे बताना है कि बताओ क्या फर्क पड़ेगा इस वायर पे। वॉट वुड बी द इफेक्ट, क्या प्रभाव सामने देखने को मिलेगा आपको। पहला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। अरे कभी नहीं भाई, कभी बढ़ नहीं सकती। मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेट प्रोवाइड करता है ना, नो प्रॉब्लम। अरे तुक्के मारो ना, किसने मना किया है, कोई दिक्कत नहीं। गलत नहीं बोलोगे तो सही कैसे पता चलेगा। चलो भाई, करंट प्रोड्यूस करेगा। हाँ यस, करंट प्रोड्यूस करेगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड कट होगा तो करंट तो प्रोड्यूस करना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ इस बात से, करंट प्रोड्यूस करेगा, पहली चीज़ देखते हैं। ओके यस, सो द इंड्यूस करंट इंक्रीजेस एट अ हायर स्पीड। बिल्कुल सही बात है, करंट प्रोड्यूस होगी, साथ ही साथ अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे वायर की तो करंट जो वैल्यू है उसकी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। समझ में आया। सेकेंड पॉइंट, मूविंग द वायर अपवर्ड रेदर देन डाउनवर्ड। अरे भैया करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी क्योंकि आपने डायरेक्शन बदल दी है मूवमेंट की, समझ में आया ना। तो करंट की डायरेक्शन बदल, यूजिंग अ स्ट्रांग मैग्नेट। अरे भैया स्ट्रांग मैग्नेट यूज़ करोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्ट्रांग वाला होगा और करंट भी स्ट्रांग वाली बनेगी। जितना जबरदस्त फील्ड होगा उतनी जबरदस्त करंट होगी। होल्डिंग द वायर एट रेस्ट, यार वायर को आपने रेस्ट पे रख लिया तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका वायर जो है वो रेस्ट पे है तो फिर कुछ भी होने नहीं वाला। आई बात समझ में ना। होल्डिंग द वायर एट रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, आंसर होल्डिंग द वायर एट रेस्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, क्या लिखा हुआ आंसर। ओके इसका नो करेंट, इंड्यूस करेंट इज जीरो। मतलब अगर आप वायर को रोक देंगे तो, वायर को रोक देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कट नहीं होगा, कट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मतलब करेंट जीरो डेवलप होगी। समझ में आ गया। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ कार्बन कंपाउंड ए हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन आ गए ना तो फिर तो भैया, अब जिसने पूरा पढ़ रखा है ये चैप्टर उसी को समझ में आएगा, जिसने बहुत डिटेल में पढ़ रखा है इस चैप्टर को, पूरी एनसीईआरटी जिसने लगा रखी है एक एक लाइन, वही उसी को समझ में आएगा। अ कार्बन कंपाउंड ए हैव मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन। चलो भैया मतलब इसमें जो कार्बन कंपाउंड ए बताया है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन है। 156 केल्विन, तो केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं, तो थोड़ी सी फीलिंग आ जाएगी। 273 ऐड कर दो है ना, 273 क्या कर दो, ऐड कर दो केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए ना, कि सॉरी सॉरी सॉरी,
डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए माइनस करते हैं, ऐड नहीं करते हैं। अब डिग्री सेंटीग्रेड क्या है भैया? टेम्परेचर नापने के तरीके होते हैं, एक होता है केल्विन, एक होता है डिग्री सेंटीग्रेड। तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है 273 केल्विन। जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन, ये नोट कर सकते हैं आप। चलो खैर आगे बात करते हैं। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 351। पानी जो होता है 373 पे उबलता है और ये 351 पे उबलने लगता है, ठीक है भाई। विद मॉलिकुलर फार्मूला C2H6O इज सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, और ये पानी हर रेशियो में पानी में घुल जाता है। तो मेरे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि होना हो ये अल्कोहल हो सकता है, ये क्या हो सकता है? अल्कोहल। समझ में आ रहा है C2H6O? चलो कहाँ से नहीं आया अभी उस पर बात करता हूँ मैं तुमसे, डोंट वरी बेटा। तुम्हें जो फार्मूला दिया है ना यहाँ देखो, वो फार्मूला दिया गया है C2H6O। अब बाकी की जानकारी के लिए आपको NCERT पूरी रीड करनी पड़ेगी, उसमें कोई उसका कोई साइंस नहीं है कि वो अपन को कैसे उसको करें, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। हाँ भाई ओपन हो गया ये। तो भैया इसने बोला है C2H6O एक कंपाउंड है, इसका मॉलिकुलर फार्मूला C2H6O है ना। और इसने मेल्टिंग पॉइंट दे दिया था और बॉइलिंग पॉइंट दे दिया था। मेल्टिंग पॉइंट इसने कितना दिया था देखो जरा, मेल्टिंग पॉइंट मतलब ये जो पिघलता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इसने कितना दिया था? 156 केल्विन। ओके भैया 156 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट आपने दिया था कितना? 351 केल्विन। क्लियर है? अच्छी बात है। अब आप जो है इस पे आपको कहना है कि ये क्या होगा। तो मुझे लग रहा है ये अल्कोहल होगा, तो अल्कोहल की डिज़ाइन अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या मैं इसे C2H5OH लिख सकता हूँ? हाँ या ना? C2H5OH। काउंट करो, कार्बन कितने? दो। हाइड्रोजन कितने? पाँच और एक छः। और ऑक्सीजन कितना? एक। तो ये C2H5OH हो सकता है, है ना? क्यों? क्योंकि C2H5OH जो होता है यानी कि अल्कोहल, ये हर प्रपोर्शन में वाटर में सोल्यूबल होता है, ये हर प्रपोर्शन में वाटर में सोल्यूबल होता है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर इन एवरी प्रपोर्शन। चलो ठीक है भाई आगे पढ़ते हैं। गिव आइडेंटिफाई ए एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई करो ए को और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। गिव द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ एनी टू होमोलोगस ऑफ ए, और इसके होमोलोगस के फार्मूले बताओ। समर्थ मेरे को बताओ इसका, तुमसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नहीं बनेगा सर इसका? हाँ अल्कोहल का C2H6O का। कोशिश करो C2H6O इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वो लाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ सर, हाँ हाँ डॉट स्ट्रक्चर, हाँ सर पता है पता है पता है। नहीं ये लाइन स्ट्रक्चर है, इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। आपको मैं डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहा हूँ और साथ ही साथ मैं मॉलिकुलर, अच्छा कम से कम यार इसके पता है सर डॉट स्ट्रक्चर, वो उसमें डॉट्स बनाते हैं सर्कल बनाकर। ठीक है, उसके दो होमोलोगस तो बता ही सकते हो यार, हर कोई बता लेगा, अभी पढ़ा था दो होमोलोगस। होमोलोगस में कितने का फर्क आता है? CH2 का। कितने का? CH2 का आता है भैया, तो होमोलोगस तो बना दो ना, होमोलोगस बना सकते हो। C3H8 वेरी गुड वेरी गुड C3H7OH ठीक है। अच्छा हाँ तो भैया अपने पास जो फॉर्मूला है वो C2H5OH है, इसमें CH2 जोड़ दोगे तो अगला कंपाउंड बनेगा C3H7OH, जिसे बोलते हैं प्यार से प्रोपेनॉल। क्या बोलते हैं? प्रोपेनॉल। और इसका एक और बना दो, क्या बनेगा? C4H 7 और 2 9। सर आपकी वॉइस लैग हो रही है बहुत गंदी वाली। अच्छा एक मिनट बेटा, चलो देखो अब बताना। हेलो सर, हेलो हेलो आपकी वॉइस लैग हो रही है। अभी सही आ रही है? हेलो सर आपको मेरी सही आ रही है? हाँ तुम्हारी बिल्कुल सही आ रही है, आवाज बिल्कुल सही आ रही है। हाँ सर ठीक है, अभी मेरी आवाज आ रही समर्थ? पूरी पूरी नहीं आ रही है? हाँ सर आ रही है। चलो ठीक हो गया, नेटवर्क बीच बीच में हो जाता है कभी। तो बेटा मैं दो होमोलोगस सीरीज की बात, दो होमोलोगस की बात कर रहा था। तो एक तो C3H7OH जैसे आप बोलते हो प्रोपेनॉल, और CH2 जोड़ दोगे तो C4H9OH जिसका नाम होता है ब्यूटेनॉल। बोलो हाँ या ना? हाँ सर
होगा? यस सर, बिल्कुल सही। तो सी फोर एच नाइन ओ एच जो है अपने पास, ये बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब बेटा, अब इसका सोल्यूशन करते हैं अपन इस क्वेश्चन का। पढ़ो समर्थ। आंसर ए, द कंपाउंड ए The compound A with melting point 156 Kelvin and boiling point 351 Kelvin is ethanol IECH3CH2OH. IE का मतलब that is होता है। हाँ। Ethanol that is CH3CH2OH. The electron dot structure is, अब इसका electron dot structure is बनाया ही नहीं, electron dot structure, गोली मारो। चलो अगले में आओ। The compounds of homologous series have similar chemical properties but gradually changing physical properties such as the molecular formula to homologous of A is CH3OH or CH4O and CH3CH2CH2OH. सर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? दो बार CH2 आ गया। नहीं, सही है ना, सही है ना, वही तो है फॉर्मूला बेटा, कार्बन वाला जो अपन ने तीन कार्बन का अच्छा, पढ़ा। हाँ सर, ठीक है, उसी में CH2 जोड़ दिया, उसको हाँ, फैला हाँ, करके हाँ, लिख दिया। अच्छा, वो सर, CH जो अपने ने C3H7 पढ़ा ना, उसको देखो CH3CH2CH2 कर दिया। अच्छा, ठीक है ना, हाँ, फैला सर, करके लिख दिया, सो इट बिकम C3H8O। ठीक है सर, ऐसे फैला के तो नहीं लिखना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, क्यों नहीं लिख, आपकी मर्जी बेटा, आप लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखना हो तो ना लिखो, ठीक है ना। अब जैसे आपके पास देखो, मैंने क्या बताया, मैंने लिखा आपको C3H7OH, बोलो बताया ना ये मैंने, C3H7OH बताया ना मैंने आपको, C3H7.